नेपोटिज्म नहीं इंडस्ट्री में रेसिज्म की समस्या बहुत ज्यादा है। इस सुपरस्टार ने दिया इंडस्ट्री पर बड़ा बयान। अपने स्टेटमेंट के कारण हेडलाइंस में छाए हुए है कंगना के ये को-स्टार। क्या है ये पूरी खबर, आइए जानते हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में नेपोटिज्म का मुद्दा कई बार सामने आ चुका है। कई ऐसे स्टार्स हैं जिन्होंने खुलकर नेपोटिज्म पर बात कही है। लेकिन अब बॉलीवुड के सुपरस्टार ने नेपोटिज्म नहीं बल्कि इंडस्ट्री में हो रहे रेसिज्म पर बड़ी बात कही है। ये कोई और नहीं बल्कि है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। जी हाँ, अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिन्होंने हाल ही में सुधीर मिश्रा की सीरियस मैन में अपने प्रदर्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन प्राप्त किया। उन्होंने कहा है कि नेपोटिज्म से ज्यादा इंडस्ट्री में रेसिज्म की समस्या है। नवाज फिल्म में अपनी को स्टार इंदिरा तिवारी के बारे में बात कर रहे थे, जिनसे उन्हें उम्मीद है कि सीरियस मैन के बाद उन्हें एक और मुख्य भूमिका मिलेगी। उन्होंने कहा कि यही असली जीत होगी। उन्होंने बॉलीवुड हंगामा को बताया कि सुधीर साहब को सिनेमा के बारे में अपार ज्ञान है और उनकी विचार प्रक्रिया बहुत ही व्यवहारिक है। उन्होंने उसे नायिका के रूप में लिया और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि हमारे उद्योग में इतना नस्लवाद है, अगर उसे फिर से मुख्य भूमिका में लिया जाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। भाई भतीजावाद से ज्यादा हमें नस्लवाद की समस्या है। नवाज के इसी स्टेटमेंट के बाद अब वो सुर्खियों में बने हुए हैं। फिलहाल नवाज कंगना के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म टीकू वेट शेरू की तैयारियां कर रहे हैं। आप हमें बताइए नवाज के इस शॉकिंग स्टेटमेंट पर आपकी राय। ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। चलेगा चलेगा, भाई एक सर 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 यहाँ पे चलेगा चलेगा, नहीं चलेगा।